Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई, और मटन कढ़ाई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहुत ही पसंद की जाती है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा. तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं अपनी रेसिपी. तो लेट्स स्टार्ट मटन कढ़ाई. आज के इंग्रेडिएंट में सबसे पहले 1 किलो हमने गोश्त लिया है मटन, और स्पाइसेस हमने लिए हैं 1 टेबलस्पून जो है कढ़ाई मसाला है, और 1 टेबलस्पून जो है ब्लैक पेपर है. तो रेस्ट ऑफ हम जो है वो सब टीस्पून है. जीरा, कश्मीरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स और जीरा पाउडर, ये सब 1 टीस्पून है. 3 टेबलस्पून हमने योगर्ट के लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट का लिया है, और इसी तरीके से 1 कप जो है हम यूज करेंगे ऑयल. 8 के करीब हमने टमाटर लिए हैं, और 2 टाइप की मिर्च हमने यूज करेंगे. फर्स्ट जो है तकरीबन हमने 6 जो है ये ग्रीन लॉक जो मिर्चें हैं वो ली हैं, और उसके अलावा हमने 4 जो है ये दूसरी बड़ी मिर्च ली है, और ये हमने 2 टेबलस्पून घी लिया है. असली घी है ये, इस वजह से मैं डाल रहा हूं. और कोरिएंडर है, ये गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे, और जिंजर जो है वो भी हम गार्निश में यूज करेंगे. और ये वाटर है 1 कप. तो वाटर हम ये है कि 1 से 1.5 कप या 2 कप भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है जब हम कुकिंग करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग. चले जी, हम मटन कढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं. गैस मैंने ऑन कर दिया है. 1 कप हम तेल डालेंगे इसमें. और सेम टाइम ही हम इसमें घी डाल देंगे. और थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो ये जो है तेल गरम हो रहा है. जैसे तेल गरम हो जाएगा हम इसमें मटन डाल देंगे. ये आपको आवाज आनी शुरू होगी, इसका मतलब है तेल हमारा गरम हो गया है. तो ये हम गोश्त जो है डालेंगे, और सेम टाइम जैसे हम गोश्त डालेंगे तो 1 टेबलस्पून जो है नमक डाल देंगे. अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है गोश्त का चेंज हो जाए या मीट का, और तकरीबन हम इसको जो है 8 से 10 मिनट फ्राई करेंगे. जी आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया है, और कलर भी चेंज हो गया है.
और अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे एक कप, और फिर उसके बाद इसको हम ढककर मीडियम फ्लो फ्लेम में जो है पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ये एक कप हमने पानी डाला है, पानी हमने डाल दिया है, इसको हम मीडियम फ्लेम में 25 मिनट आधा घंटा जो है, और फिर अगर उसमें इन बिटवीन चेक करते रहेंगे इसको, यह कि मीडियम फ्लेम में रखेंगे इसको। मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया है और इसको हमें ढक रखा। ओके, मैं पानी डाल के तकरीबन आधा घंटा इसको अच्छे तरीके से पकने दिया है, और पानी सारा सूख चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, और एक चीज़ इंग्रेडिएंट में मैंने नहीं बताई, मैंने एक स्टिक जो है सिनेमन की ली है, तो वो भी मैं अब डाल रहा हूँ। और अब हम टमाटर को जो है आधा कप पानी और डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, और फ्लेम को हम जो है मीडियम कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर ली है ताकि स्टीम से जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो हम 10 मिनट बाद फिर जो है दोबारा चेक करेंगे। हाँ जी, तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमने रखे थे, तो टमाटर लग रहे हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं, तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके टमाटर से स्किन जो है वो निकाल देंगे। अच्छे तरीके से तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं कि हमने जो टमाटर रखे थे अच्छे तरीके से जो है सॉफ्ट हो गए हैं, स्किन भी उनकी जो है हमने अलग कर ली है। अब हम इसको अच्छे तरीके से टमाटर को कहीं कहीं पे भी थोड़े रह गए हैं, तेज आंच में सुखाएंगे। और सेम टाइम हम जो है ग्रीन चिलीज डालेंगे, ये जो हमने 6 की 6 ग्रीन चिलीज थी,
अभी हम अपने जितने मसाले हैं ये सारे इसमें डालेंगे जो हमने इंग्रेडिएंट में थे, तो ये सारे के सारे मसाले हमने एक साथ डाल दिए और अब हम इसमें इसको पकाएंगे। और सेम टाइम जो है हमारा ये जो है टमाटर भी गल जाएंगे, मसाला भी मिक्स हो जाएगा और इसको हम भूनने की तैयारी में साथ साथ भूनते भी रहेंगे। गैस को मैंने जो है बिल्कुल स्लो कर दिया है और बल्कि ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ऑलवेज जो है जब भी मैं योगर्ट यूज़ करता हूँ तो मैं हांडी को जो है ऑफ कर देता हूँ। तो इससे ये होता है कि आप दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप जो अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लें, तो इस तरह दही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये जो है इस तरह बिल्कुल जो है दही और मसाला सारा आपस में मिक्स हो जाता है इक्वली। अगर आप गरम जो है पक रहा और दही डाल दें तो वो फिर दही की जो खिटियाँ सी बन जाती है। तो जो है मैं दोबारा जो है गैस को ऑन करूँगा कि ये मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। बिल्कुल कढ़ाई माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब ये देख सकते हैं कि मिक्स हो गया है दही। अब मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा। मैंने अच्छे तरीके से जो है कढ़ाई को भून लिया है और तेल भी अलग हो गया है और तकरीबन ये तैयार है। इसमें मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज जो है वो ऐड करूँगा और थोड़ी सी जिंजर और बाकी जो है वो गार्निश में डालूंगा मैं। और इसको मिक्स कर दूंगा और इसी तरीके से थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी यूज़ करूंगा और बाकी सारा जो है वो गार्निश में यूज़ करूंगा। बहुत अच्छी खुशबू है और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्मेल से पता चल रहा है, खुशबू से पता चल रहा है कि ये अच्छे तरीके से मैंने इसको भुना है। जितना आप इसको भुनेंगे उतना ही जो है इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है और ये गार्निश कर रहे हैं हम। इसी तरीके से हम अदरक जो कटी हुई ऐसी वो भी डाल रहे हैं और बस मैं सारी नहीं कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी डाली हुई थी। तो तैयार हो गई है, तो रिव्यू का टाइम आ गया है जी। रिव्यू का टाइम आ गया है तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आज की कढ़ाई मेरी कैसे बनी है। और नान भी देख सकते हैं, ये उल्टे तवे के नान हैं और पहले मसाला चेक करेंगे कि मसाला किस तरह कुक हुआ है। वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। और गरम है गोश्त,
मैं बोटी तोड़कर आपको ट्राई करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं, वेरी नाइस कुक, बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त पूरा गल चुका है। मेरी रेसिपी प्लीज ट्राई करना, और जिस तरीके से मैंने कुक किया है स्टेप बाय स्टेप आप भी ट्राई करना, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जो है मुझे बताना कि ये अगर आपने ट्राई किया तो आपको ये कैसे लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। कलर नाइस है, बहुत ही टेस्टी है, और बहुत अच्छा है। तो आज की मैं अपनी वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस। ओके जी, आज की अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऑल्सो जो है बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें, तो मेरी आने वाली फीचर्स की वीडियो भी आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।